आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स क्या नया हाई लगा सकता है। हाल ही में टाटा मोटर्स के शेयरों में शानदार तेजी देखी जा रही है। 3 हफ्तों में ये शेयर 20% तक चढ़ चुका है। वहीं दूसरी ओर ब्रोकरेज फर्म्स इस शेयर पर बुलिश है, यहाँ तक कि टाटा मोटर्स का टारगेट बढ़ाकर 525 कर दिया है। ऐसे में समझने की जरूरत है कि शेयर में तेजी क्यों है, आने वाले दिनों में क्या टाटा मोटर्स के शेयर में बड़ी रैली आ सकती है और ब्रोकरेज फर्म्स की क्या राय है। सबसे पहले जानते हैं कि शेयर में तेजी आई क्यों। दरअसल टाटा ग्रुप की कंपनी जैगुआर एंड लैंड रोवर्स यानी JLR ब्रिटेन के हेलवुड प्लांट को पूरी तरह इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए बड़ा निवेश करेगा। कंपनी ने अपने प्लान को विस्तार देने के लिए 15 बिलियन पाउंड यानी करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। इस खबर के बाद से टाटा मोटर्स के शेयर के सेंटिमेंट में लगातार सुधार देखा जा रहा है। अब लगे हाथ टाटा मोटर्स पर ब्रोकरेज की स्ट्रेटजी भी जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की, जिसने टाटा मोटर्स के शेयर के लिए बाय की रेटिंग दी है। इसके साथ ही इसका टारगेट प्राइस 525 रुपए तय किया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने टाटा मोटर्स के शेयर पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, साथ ही शेयर पर 513 रुपए का टारगेट भी दिया है। मैक्वेरी की बात करें तो इस ब्रोकरेज फर्म ने भी टाटा मोटर्स पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, शेयर पर 511 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक JLR की योजना अगले 2 साल में बड़े लेवल पर EVs को लॉन्च करने की है। साथ ही मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 2.5 बिलियन यूरो के कैपेक्स को गाइडेंस दिया है, इस फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए बढ़ाकर 3 बिलियन यूरो कर दिया है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 26 तक EBIT मार्जिन डबल डिजिट होने की उम्मीद है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस BofA-SEC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इलेक्ट्रिक RR के पहले मॉडल की बुकिंग कैलेंडर ईयर 23 के अंत शुरू हो जाएगी। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी का टारगेट नेट कैश पॉजिटिव होने का है, इससे शेयर पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब समझ लीजिए कि टाटा ने ब्रिटेन की जिस इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इतना बड़ा निवेश किया है उसमें होगा क्या। ये निवेश प्लांट में मॉडर्न लग्जरी इलेक्ट्रिक फर्स्ट फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके तहत नए हाउस ऑफ ब्रांड्स के साथ मॉडर्न लग्जरी विजन को डिलीवर करने पर फोकस रहेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।